1 जुलाई 2023 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है इंडियन नेशनल फुटबॉल के लिए, हमारी इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। अब मैं ऐसा दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो इंडिया और लेबनन का सैफ चैंपियनशिप सेमीफाइनल है, और ये जो सेमीफाइनल है दोस्तों वो बस सेमीफाइनल नहीं है किसी टूर्नामेंट का, बल्कि ये फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, आने वाला जो रीसेंट फ्यूचर है वो डिसाइड कर सकता है ये मैच। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इंडिया वर्सेज लेबनन सैफ चैंपियनशिप सेमीफाइनल के बारे में मैं आपको हर एक डिटेल दूंगा, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है वो बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा डीप में समझना है तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो कर यहाँ पे डाली थी यूट्यूब पे, जहां पे बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, 10,000 से ऊपर व्यूज चले गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को, तो वो आपको देखनी चाहिए, उससे और आपको डीप नॉलेज मिलेगी। तो इस वीडियो के देखने के बाद वो इन स्क्रीन पे वो वीडियो आ जाएगी। मैंने बताया है कि क्यों पार्ट टू में रहने से भारतीय फुटबॉल टीम के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे जो मैच है दोस्तों वो है सैफ चैंपियनशिप का सेमीफाइनल नंबर 2। सेमीफाइनल नंबर 1 जो है वो है यहां पे बांग्लादेश और कुवैत के बीच में, जो कि 3:30 बजे से खेला जाएगा, और 7:30 बजे से 1 जुलाई को यहां पे सैफ चैंपियनशिप का सेमीफाइनल नंबर 2 यानी कि इंडिया और लेबनन के बीच में खेला जाएगा। अब अगर हम बात करें पिछले 10 से 15 दिनों के बारे में, तो पिछले 10 से 15 दिनों में यहां पे इंडिया और लेबनन की ये तीसरी भिड़ंत होगी। 2 बार हम इंटर कॉन्टिनेंटल कप में यहां पे एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, पहला मैच 0-0 से ड्रॉ हुआ, और उसके बाद जो दूसरा मैच था वहां पे हम 2-0 से लेबनन को हराए और हम इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीते। यहां पे 1977 के बाद हमने यहां पे लेबनन को फिर 2023 में हराया है। तो अगर हम हेड टू हेड कोलिजंस की बात करें दोस्तों, आज तक तो 3 बार यहां पे लेबनन जीती है और 2 बार हम जीते हैं, जिसमें से 1 जीत यहां पे इंटर कॉन्टिनेंटल कप में थी जो कि जून के महीने में ही आई है, और 1 जीत यहां पे 1977 से पहले की है। तो ये सारे यहां पे कॉन्फ़िगरेशंस हैं अगर हम बात करें तो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये मैच क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सैफ चैंपियनशिप 2023 है, अगर हम सेमीफाइनल जीतते हैं तो फाइनल्स में प्रवेश करेंगे और वहां से हम सैफ चैंपियनशिप 2023 जीत सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है ये मैच फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस के एस्पेक्ट में। अब क्या हुआ कि कल यानी कि आज यहां पे अगर मैं बात करूं तो आज 30 जून है, 29 जून को यहां पे फीफा के रैंकिंग्स रिलीज किए, जहां पे इंडिया ने यहाँ पे 100वें पोजीशन पे फिनिश करा है और 101वें पोजीशन पे लेबनन है। अब उससे ये हुआ है कि अगर एशिया की हम रैंकिंग बात करें तो 18वें पोजीशन पे इंडिया है और 19वें पोजीशन पे यहाँ पे लेबनन है। अब 18वां पोजीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है, क्योंकि वो एक लास्ट स्पॉट है पॉट टू में, और उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो आप पॉट थ्री में आ जाएंगे। अब पॉट टू पॉट थ्री क्या है, इसके बारे में एक मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बताई, जो बताया मैंने आपको कि कल यहाँ पे यूट्यूब पे डाला था वो है, उस पर आप जाके देख सकते हो, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि अगर आप पॉट टू में रहते हो तो आपके फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में जो परफॉर्मेंस के चांसेस हैं थर्ड राउंड में एडवांस करने के जो चांसेस हैं, सेकंड राउंड से डायरेक्टली एएफसी एशियन कप 2027 के लिए क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहां पे सीन ये है कि जो हमारी जो अपोनेंट है वो हमारी डायरेक्ट अपोनेंट है इन फीफा रैंकिंग्स और एशियन रैंकिंग्स में भी, और जो पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा कम है। कल जो फीफा रैंकिंग्स रिलीज हुए वहां पे इंडिया की जो पॉइंट्स है वह है 1204.90, और वहीं पे अगर हम बात करें लेबनन की तो वो है 1203.40, तो लगभग 1.5 यहां पे पॉइंट्स का अंतर है। और ये बात क्लियर है कि अगर हम यहां पे लेबनन से हारते हैं तो हम यहां पे नीचे चले जाएंगे लेबनन से, और उसके बाद लेबनन कुवैत से भी खेल रही होगी, अगर वो कुवैत को हरा देती है तो फिर तो यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम पॉट टू में फिनिश करें। हालांकि हम बिल्कुल ये बात गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन यहां पे बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि हम 20 जुलाई को जो फीफा रैंकिंग्स आएगी वहां पे हम पॉट टू में फिनिश करें। 20 जुलाई को फीफा रैंकिंग्स आएगी, 27 जुलाई को यहां पे ड्रॉज निकाले जाएंगे पॉट टू में। अगर हम 20 जुलाई को रहते हैं एज पर फीफा रैंकिंग्स एशिया में, तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा हमें फायदा ये होगा कि हम फीफा वर्ल्ड कप के जो राउंड्स होंगे क्वालिफिकेशंस के, उसमें हमारे ग्रुप में जो टीम होगी एक टीम ऐसी आएगी बस पॉट वन से जो कि हमसे मजबूत होगी, बाकी जो दोनों टीम्स आएंगी वो यहां पे हमसे कम फीफा रैंकिंग वाली होगी और हम उन्हें हरा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ा देगी भारतीय फुटबॉल टीम के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। और अगर हम हारते हैं तो बहुत यहां पे कम चांसेस हो जाएंगे कि हम पॉट टू में फिनिश करेंगे 20th जुलाई तक, और अगर हम जीतते हैं दोस्तों तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम पॉट टू में ही रहेंगे और यहां पे फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशंस में थर्ड राउंड में भी एडवांस करने के जो चांसेस वो बहुत ही ज्यादा पड़ जाएंगे। तो ये
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम मैच के बारे में बात करें दोस्तों, तो इंडिया और लेबनान यहाँ पे रिसेंटली दो बार और भिड़ चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप में, एक दो ग्रुप स्टेजेस में और उसके बाद फाइनल्स में, जहां पे फाइनल्स में हमने लेबनान को हराया था। ग्रुप स्टेजेस में मैच जो है वो 0-0 से ड्रॉ हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि इस मैच में इंडिया को किस स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहिए, तो इंडिया को यार दोस्तों इस मैच में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ना, उसी तरीके से खेलना चाहिए, क्योंकि कुवैत के अगेंस्ट हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऑन फीफा रैंकिंग्स बेसिस यहाँ पे कुवैत जो है वो हमसे बहुत नीचे है, लेकिन कुवैत की अगर क्वालिटी की बात करें तो इंडिया और लेबनन दोनों से बेटर टीम है और उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट हमने जीत दर्ज कर ली थी। तो अगर उस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव चीज होगी हमारे लिए। एक खराब न्यूज है कि रहीम अली और संदेश झिंगन, रहीम अली तो कंफर्म है, रेड कार्ड मिला था, और संदेश झिंगन के भी दो येलो कार्ड्स हो चुके हैं जिसके कारण इस मैच में वो उपलब्ध नहीं रहे। अब दोस्तों जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि कौन से दो सेंटर बैक्स होंगे जो कि नजर आएंगे संदेश झिंगन के जाने के बाद। मैं एक चीज तो आपको बता सकता हूं कि अनवर अली कंफर्म इस मैच में खेल रहे होंगे, भले उन्होंने ओन गोल दागा है लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों वो वर्ल्ड क्लास रहा है, तो वो तो कंफर्म खेलेंगे। अब यहां पे सवाल उठता है राहुल भेके या यहां पे मेहताब संधू। चिंगलेनसाना सिंह तो है नहीं यहां पे कि वो यहां पे खेलेंगे। राहुल भेके ये या यहां पे मेरे को लगता है मेहताब संधू, ये दोनों सेंटर बैक्स हैं जिनमें से एक यहां पे अनवर अली के साथ खेल रहे होंगे। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम अनवर अली और मेहताब संधू के साथ जाते हैं तो दोनों प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो अनवर अली तो खेल रहे हैं, मेहताब संधू लगभग एक तरह का एक्सपीरियंस है, बहुत ही यंग है दोनों, तो मेरे को लगता है राहुल भेके के साथ आप जा सकते हो एज अ एक्सपीरियंस सेंटर बैक। निखिल पुजारी और यहाँ पे अगर हम बात करें आकाश मिश्रा, ये दोनों हमारे फुल बैक्स होंगे। राइट पे यहाँ पे निखिल पुजारी होंगे, लेफ्ट पे आकाश मिश्रा होंगे, और उसके बाद जिक्सन सिंह के साथ हम स्टार्ट करेंगे। रोहित कुमार आ सकते हैं फिर एज अ सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर, और उसके बाद फ्लैंक्स की अगर दोस्तों हम बात करें तो छांगटे के साथ आप खेल सकते हो, आशिक कुरुनियन के साथ खेल सकते हो, उदांता के साथ खेल सकते हो, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस ही ऑप्शन है। यहाँ पे आप महेश के साथ खेल सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं फ्लैंक्स पे दोनों साइड पे खेलने के लिए। और उसके बाद अगर हम क्रिएटिव मिडफील्डर की बात करें तो हम थापा के साथ और सहल अब्दुल समद दोनों के साथ जा सकते हैं, और एज नंबर 9 सुनील छेत्री हमारे पास इकलौते ऑप्शन है, क्योंकि रहीम अली जो है यहाँ पे वो रेड कार्ड लेके इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारी कुछ अगर हम बात करें टीम दिख सकती है। और अगर हम बात करें क्या मैच हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो बिल्कुल हम जिस तरीके से खेल रहे थे अगर हम बात करें इससे पहले वाले मैच में कुवैत के अगेंस्ट, उसी तरीके से खेलना चाहिए, फ्री फ्लो फुटबॉल खेलना चाहिए। प्लेयर्स के पास ये प्रेशर नहीं हुआ कि यार हमें पॉट टू में रहना है, पॉट थ्री में रहना है, क्योंकि वो तो तैयार है, चैलेंजेस जो भी आएंगे वो उनको फेस कर सकते हैं। वो जो प्रेशर है वो हम पे है और मतलब फैंस पे है कि हम किसी तरह से पॉट टू में फिनिश करें। तो उसके बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री फ्लो फुटबॉल खेलना है। लेबनन के अगेंस्ट हम जीत चुके हैं तो यहाँ पे पर जो कॉन्फिडेंस है प्लेयर्स की वो भी हाई है कि हम लेबनन को हरा सकते हैं, और अगर हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में रहें तो हम यहाँ पे लेबनन को हरा देंगे। हालांकि उनके जो कैप्टन है मातूक, उनसे बच के रहना पड़ेगा, पिछले मैच में भी उन्होंने गोल दागा है, उसके बाद इससे पहले जब वो बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे साफ चैंपियनशिप में उसमें भी उन्होंने गोल दागा है और अच्छे गोल्स दागे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं दोस्तों जो लेबनन से हमें बच के रहना पड़ेगा, और वो यहाँ पे काउंटर अटैक्स पे तो ज्यादा यहाँ पे खतरनाक टीम नहीं है, लेकिन जो वो बिल्डअप करके अटैक्स करती है बिल्कुल सेंटर में आके, फिर वो जो फ्लैंक पे स्विच करके बॉल अंदर डालती है, वहां पे लेबनन बहुत खतरनाक है। तो वहां पे जो सेंटर बैक्स हैं, सेंटर बैक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये हमारी अनफॉर्चुनेट चीज है कि संदेश झिंगन इस मैच में नहीं उपलब्ध रहेंगे, लेकिन संदेश झिंगन अगर रहते दोस्तों तो बहुत ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रहते। संदेश झिंगन का ना होना थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, अनवर अली पे बहुत ज्यादा भार आएगा, उनको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और राहुल भेके को भी अपनी सारी एक्सपीरियंस दिखानी पड़ेगी। डिफेंस में यहाँ पे अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, अटैक जिस तरीके से हमारा खेल रहा है अगर उस तरीके से भी खेलता है तो हम यहाँ पे गोल दागने में तो सक्षम रहेंगे, लेकिन डिफेंस में हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम अपनी बात करें यहाँ पे अपने मिडफील्ड की, तो जिक्सन सिंह अच्छा खेल रहे हैं, अब बाद में रोहित कुमारा के भी अच्छा खेलते हैं उनके पोजीशन पे, थापा भी अपना काम कर रहे हैं, शहल अब्दुल समद एक्सीलेंट दिखे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप से लेके अगर हम बात करें सैफ चैंपियनशिप तक, कहीं कहीं वो मौके वो मिस करते हैं लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। फ्लैंक्स पे भी छांगटे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, महेश सिंह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आशिक कुरुनियन भी आते हैं तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, लिस्टन कोलासो को भी मौका मिलता है तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 9 पे सुनील छेत्री तो अभी मैग्निफिशेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि लगातार गोल पे गोल दाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है यार कि मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस 29-31 साल के छेत्री हैं हमारे, अभी बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस उनके
तरफ से आ रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल कप पूरे और सैफ चैंपियनशिप में, हाँ मेरी नजर नहीं लगे, मैं ये दुआ करता हूं और इंडिया यहां पे किसी तरीके से लेबनन को यहां पे इस मैच में हरा के फाइनल्स में क्वालिफाई कर जाए। ना हम फाइनल्स में क्वालिफाई करेंगे बल्कि एक तरीके से हमारे दिमाग में ये भी आ जाएगा कि अब हम थर्ड राउंड ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे अगर इस मैच को हम जीतते हैं तो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है दोस्तों। तो जो भी लोग यहां पे इस मैच को देखना चाहते हैं वो फैन कोर्ट पे लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, डीडी भारती पे आप इसे अपने टेलीविजन सेट्स पे देख सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो वो जरूर बताना, और अगर आपको कुछ चाहिए एनालिसिस वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कम्युनिटी टैब पे भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बता सकता हूं, और साथ में आप इंस्टाग्राम हैंडल पर मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।